दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से आपकी प्रतिक्रियाएं और आपकी तरफ से जो राय मिल रही है मेरी बड़ी हेल्प कर रही है। आज अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी शव यात्रा ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी है और वो बहस इस बात की है, कुछ लोगों को लगता है अटल बिहारी जी की मृत्यु जो थी 14 अगस्त को ही हो चुकी थी। उनके फोटोज जो शव यात्रा के दौरान लोगों ने लिए सोशल मीडिया पर आए हैं, उसमें चेहरा उनका काला पड़ा हुआ है। लोगों का दावा है कि वो प्रिजर्वेटिव जो होते हैं यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो चेहरा काला पड़ा। केवल 15 अगस्त की भाषणबाजी के लिए डिक्लेयर नहीं करने दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी की मौत को। प्रश्न तो उठ रहे हैं, संदेह तो उठ रहे हैं, लेकिन ऐसी सरकार पर प्रश्न क्यों ना उठे जिस सरकार ने मीडिया का मुंह भी बंद कर दिया हो, प्रिंट मीडिया को खरीद लिया हो, तो क्यों ना उठे सवाल। सवाल उठने तो लाजमी है। और जो मोदी मीडिया दावा करता है कि साहब प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेश यात्राओं से भारत का मान बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, राष्ट्रपति ट्रंप उनके दोस्त हैं, जर्मनी के चांसलर उनके दोस्त हैं, दुनिया भर के राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं वो सब मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो 50 साल तो सांसद अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, 3 बार प्रधानमंत्री भी रहे, फिर भी केवल सार्क देशों के प्रतिनिधि आ पाए उनकी अंतिम शव यात्रा में भाग लेने, या जानबूझकर उनको सरकार के द्वारा अपमानित किया गया कि कम से कम पूर्व प्रधानमंत्री की शव के दर्शन तो कम से कम 3 दिन होने चाहिए थे, वो भी ना हो पाया। क्यों, जल्दी किस बात की थी? क्या हमारे उस पूर्व प्रधानमंत्री को, जिसने भाजपा के अनुसार लोकतंत्र की नई मर्यादाओं को रचा, क्या वो उसको इतना अधिकार नहीं था, जिसके इतने प्रशंसक थे कि वो 3 दिन कम से कम जनता उनके दर्शन तक करके आ पाती? सरकार की जल्दबाजी, लोगों का सोशल मीडिया पे दावा और राष्ट्राध्यक्षों का न आ पाना मोदी सरकार की विदेश नीति पर और उसकी असफलताओं पर उंगली तो उठाता है। इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, मोदी जी की सरकार को देना पड़ेगा, अमित शाह जी को देना पड़ेगा और उन भाजपा समर्थक नेताओं को भी देना पड़ेगा जो ये बोलते हैं कि भारत की कीर्ति बढ़ी है, भारत विश्वगुरु बनने वाला है। यदि भारत विश्वगुरु बनने वाला है और मोदी जी के हिसाब से सब काम चल रहा है तो और राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं पहुंच पाए? मुझे तो इसका जवाब चाहिए सीधी सी। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान नहीं हुआ है, अपमान हुआ है भारत देश का। यदि बाहर के देशों के राष्ट्रपति, जिनसे दावा करते हैं मोदी जी कि वो उनके मित्र हैं और बड़े खास हैं और अपने हिसाब से वो सारी चीजें कर लेते हैं, वो नहीं आते हैं तो ये देश के लिए शर्म की बात है। कैसी विदेश नीति है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी तो चले गए छोड़ करके हम सबको, लेकिन आज एक बड़ा फर्क महसूस हुआ। हालांकि मोदी जी इसको पूरा एक इलेक्शन कैंपेन बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो उल्टा पड़ने वाला है इनके ऊपर। उल्टा इसलिए पढ़ने वाला है कि एक नई बहस पैदा हो गई है। भले ही मोदी मीडिया ने बहस चलाई हो मोदी जी को पॉलिश करने के लिए कि साहब पैदल गए, ये किया वो किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठ खड़ा हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कम से कम लोकतंत्र जिंदा था, सहमति की राजनीति थी, मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। बहुत से ऐसे भाषण है, मैं तो सोचता हूं कि 2014 में जो कांग्रेस के प्रचार देख रहे थे, कांग्रेस का प्रचार देख रहे थे, उन्होंने वीडियोस तब क्यों नहीं चलवाए जब मोदी जी ये पूछ रहे थे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया देश के लिए? उसका जवाब खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। और ये वीडियो मैंने सावर एक फेसबुक मित्र की फेसबुक वॉल से लिया है, इसे जरूर देखिएगा। जो गरीब है उसकी गरीबी में कोई फर्क पड़ा है? 60 साल में उसके जीवन में कोई बदलाव आया है? जो नौजवान बेरोजगार है उसको रोजी रोटी का प्रबंध हुआ है? जिस खेत को पानी चाहिए उसे पानी मिला है? जिस बीमार को दवाई चाहिए दवाई मिली है? भाइयों बहनों, क्या इस देश पे राज करने वाले लोगों को
इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये जवाब देते हैं। 50 साल में हमने प्रगति की है, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दें। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा, ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी। और इसको देखने के बाद फैसला कीजिएगा कौन सही था कौन गलत था। बंद कर दो, सेकंड बनाएंगे। शहनशाह के हर कार्य दौड़ रहे हैं, बड़े बेचैन हैं, हर दरवाजे दरवाजे दौड़ रहे हैं हर कार्य शहनशाह के। उनको लगता है कि शहनशाह के बोझ से उसका तख्त दरकने लगा है। हमने तो बहुत बातें कर ली सियासत की, उनकी बातें सुन भी ली सियासत की, वो भी तो कभी जवाब दे दें सामने आकर कि इस सियासत में गुनाह क्या है और पुण्य क्या है। दोस्तों, ऐड चलते रहते हैं टीवी पर, गौ माता को कत्ल खानों से जाने से बचाना है तो गौमूत्र खरीदो, एक ब्लैकमेलिंग बाबा रामदेव की तरफ से चलाई जा रही है। बाबा रामदेव सरकार को खुद लेटर लिखे क्यों मांग नहीं करते कि साहब कत्ल खाने बंद करे जाएं? गौ माता के कत्ल का डर दिखा करके उनका जो यूरिन है, उनका जो मूत्र है, वो दूध से भी ज्यादा महंगा बिक रहा है दोस्तों। और अब ये खबर फैलाई जाने लगी है कि बाबा रामदेव की कंपनी बड़ी घाटे में चल रही है, तो कंपनी घाटे वाटे में नहीं चल रही है, पैसा जो है ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो देश प्रेम का नारा लगा करके चीजें बेची जाती हैं, जो धर्म के नाम पर आपकी गृह शांति के लिए चीजें बेची जाती हैं, कुछ इसी टाइप का प्रचार भाजपा का आज तक रहा है अगर आप गौर करें तो, चाहे भगवान राम के नाम पर हो, चाहे गौ माता के नाम पर आपको ब्लैकमेल किया गया हो। मैं सवाल पूछता हूं, तीन सवाल हैं मेरे इस मोदी सरकार से। पहला, अगर गौ माता की हत्या होती है, उनको काटा जाता है, तो उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए पूरे देश में, बीफ का कारोबार बंद कीजिए पूरे देश में। सरकार हिंदुओं की है जैसा कि मोदी जी बोलते हैं, भगवा सरकार है, योगी जी बोलते हैं भगवा सरकार है, तो योगी जी भी अपने यहाँ कट्टी खाने क्यों मन नहीं कराते, वो भी उनके ही सांसदों के चल रहे हैं। देखिए साहब, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसके सबूत भी हैं आपके पास, इसको अगर आप नहीं फैलाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता इस देश का। सही लोकतंत्र वही है जहां जनता डरे नहीं अपने सवाल उठाने से। अगर नालायक लोग सत्ता में बैठ जाए तो समझदार लोगों को खुद प्रचारक बन के देश के लिए उतरना पड़ता है सड़कों पर, जिस तरह से अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए पूरे देश की जनता उतर गई थी। जब तो वो रियासतों में बटी हुई थी, अब तो कोई रियासत नहीं है, अब तो पूरा हिंदुस्तान एक है। चलिए एक बार फिर से कसम उठाएं कि इस देश को सच्चाई के साथ जिताना है। और आज एक बड़ी बात राहुल गांधी जी ने साझा विरासत सम्मेलन में बोली, उन्होंने कहा कि अमित शाह को लगता है ये देश सोने की चिड़िया है। अंग्रेज भी ऐसा ही सोचते थे कि वो सोने की चिड़िया है। उनके कहने का आशय ये था कि देश को व्यापारिक दृष्टिकोण से वही देख सकता है जिसको व्यापार की पड़ी हो, जो व्यापारियों का मित्र हो। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी और भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही कंपनियों को प्रमोट करती है, अंबानी अदानी 10-15 लोग उसके ऐसे होते हैं और वो पैसा लेकर के डोनेशन का खेल होता है, सारा कुछ होता है, चुनावों में चलता है और फिर वो देश के लिए नुकसानदायक होता है। मैं भाजपा के मित्रों को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार सदन में बोला था, क्योंकि आपको ये बोले हम कि कांग्रेस के किसी नेता ने कहा तो आप तो कांग्रेस के नेताओं को ठप्पा लगा चुके हो, ये तो सब बेकार है। उन्होंने खुद सदन में बोला था वाजपेयी जी ने कि धन का प्रवेश चुनाव में, इलेक्शन में, लोकतंत्र में खतरनाक है और ये खतरनाक साबित होगा क्योंकि पैसे से ही इलेक्शन जीते जाएंगे।
और यदि आप अपना वोट 500 रुपए या 1000 के पीछे बेचते हैं तो आप इस देश की किस्मत दांव पे लगा रहे हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अहद उठाइए, ना हम धर्म के नाम पे बिकेंगे, ना पैसे के नाम पे बिकेंगे, ना जाति के नाम पर बिकेंगे, बिकेंगे तो केवल हिंदुस्तानी के नाम पर, हिंदुस्तानी नारे के नाम पर। दोस्तों हां, मैं आपसे जिक्र कर रहा था सोने की चिड़िया बताया, उसके जवाब में राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो ये महागठबंधन है ये गंगा जी की तरह पवित्र है, एक आवेग की तरह है, जिधर से निकलेगा अपना रास्ता खुद बना लेगा। क्या इस गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ आप चलना पसंद करेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद। और छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, जब से लेके अब तक गंगा में बहुत बह चुका पानी। आओ गंगा साफ करें, आओ महिलाओं की सुरक्षा करें। अगर चुनावी कैंपेन मोदी जी ने एक शव नीति के नाम पे शुरू किया है तो चलो अब देश नीति शुरू करें, देश के बारे में बात करें। जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, ना लाइक करने के लिए बोलूंगा, बस आई समझ में तब आप इस पर रिएक्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो ब्लॉग के बारे में जरूर राय दीजिएगा, मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, मैं सही हूं तो उसको आप बताइएगा। लाइक कीजिए मत कीजिए वो आपका प्रश्न है, आपका अपने अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।